मगर मेरा तुमने कभी बहुमान नहीं किया, इनका कोई कारण? और वो जो डॉक्टर था ना, वो सीनियर पागल था ना, उसने डॉक्टर डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, आपका बहुमान न हमने कभी किया, और भी आप 12 साल रहते आपका बहुमान हम करते नहीं, ये 6 महीने में आया, इनका बहुमान हमने इसलिए किया वो हमारे जैसा लगता है, आप कभी हमारे जैसे लगे ही नहीं। तब डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ मेरा बहुमान नहीं किया यार। मेरा बहुमान मत करना। और सच जिस दिन आपको लगे कि गुरुदेव पुनः प्रवचन मेरे प्यारा और आप इनको कॉन्शियस तक ले जा रहे हो, आपका परिवर्तन पक्का। नंबर 1, क्लेश हो ऐसा बोलो नहीं, कर्जा हो ऐसा खर्च करो नहीं। नंबर 3, रोग हो जाए ऐसा कुछ खाओ नहीं। सामने से किसी रोग को आमंत्रण मिल जाए ऐसा ऐसा भोजन जीवन में कभी पेट में डालो नहीं। चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो वाइन हो, चाहे कुछ भी हो, आप एक बार खाने के पहले चेक करो इनके कोई डिसीज तो नहीं होगी ना। आप कोको कोला थम्सअप पेप्सी जो भी मुंह में डालते हो, कभी साइंटिस्ट को तो पूछो कि इसमें क्या क्या, मैं पूछना चाहता हूं खाने के पहले, मुझे मत पूछो तो किसी साइंटिस्ट को डॉक्टर को तुमने पूछा है ये खाने से रोग तो नहीं होता है, जानना चाहता हूं प्रशांत भाई पूछते हो। आपके पेट में जो भी डालते हो मुझे मत पूछो, भगवान महावीर को मत पूछो कि ये पक्ष है कि अपक्ष है, वो बात तो अभी मैं नहीं करना चाहता हूं, कभी वो भी तो करूंगा। मगर जिसको मुंह में डालने से रोगों को आमंत्रण मिलता है, महाराज साहब ऐसा कोई भी द्रव्य पेट में 100% नहीं जाता है, पक्का। अरे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, मंदी की महंगाई है नहीं, आज माहौल कैसा है, मंदी का कि महंगाई का है? दोनों का, माने बरोड़ा की हर होटल खाली जाती है, नहीं नहीं मुझे बोलो क्या हुआ, वेटिंग भाई साहब बोलो, आप बोलते हो महाराज साहब महंगाई और मंदी और तीसरे नंबर में मांदगी, आप यदि बोलते हो महाराज साहब मंदी महंगाई बहुत है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं भाई होटल ये खाली नहीं वेटिंग में क्यों जाती है, मैं पूछना चाहता हूं। और मंदी और महंगाई में आपने खर्च में यदि कोई कटौती की है तो कहां की है मुझे बताओ, घर से टीवी निकाल दिया माने मोबाइल बंद स्विच ऑफ बिल कम नहीं, आप मुझे बताओ मंदी की असर आपको कहां आई, मैं तो समझ नहीं पाता, मुझे बताओ। इतनी बड़ी सभा में कोई दिखाओ कि मंदी की असर कहां है, क्या है होटल में जाना जरूरियात, माने घर में कोई खिलाने वाली रही नहीं है, पति रात को मोड़ाया पत्नी को बोला भोजन आधा घंटा बैठो, और जैसे ही पति ने आधा घंटा सुना तो पति ने इतना कहा ऑफिस का थोड़ा काम बचा है मैं आधा घंटे में कर लेता हूं, मगर आधा घंटे में भोजन हो जाएगा तो कि नहीं मैं कपड़ा बदल के आपके साथ आती हूं। कहा, और आज की ये लेडीज को मुझे मालूम नहीं, मगर आज जो तुमने पढ़ने का माहौल बनाया ना उसमें मुझे मालूम नहीं इन सबको कुछ भोजन बनाने का भी आता होगा कि नहीं। हर आइटम पहले के जमाने में तुमने देखा होगा ना, आपकी घर की धर्म पत्नी और आपकी माँ होती ना, और 12 मेहमान आकस्मिक आ गए, मैं से बस आपकी माँ बस इतना बोलती एक 15 मिनट रुक जाओ सब हो जाएगा, इतनी थकान लेकर के बैठी थी, आज सब मामला खत्म। एक वकील की डॉक्टर लड़की के साथ शादी हुई तो वकील को लगा सुबह नाश्ता कर लूं,
तो डॉक्टर लड़की थी, उसने बोला विटामिन बी 12 की गोली रख देती हूँ, खा लो बात खत्म करो, काकरा बकरा कहाँ है यही। खाकरा यही कहाँ और खाकरा बनाना आता भी कहाँ है? क्या हुआ? हाँ रेडीमेड, तुम भी रेडीमेड मिले हो क्या? आखा इंडिया में खाकरा मरता दी गया, ये बात को लाकड़ी नहीं मरती। हाँ मशीन खाकरा दे देंगी, मगर आपको मालूम नहीं, कभी शिविर में बताऊंगा, हमारे एक बार व्यवस्था थी, मातृ मुखे न भोजनम, मातृ हस्ते न भोजनम, मातृ मुखे न शिक्षणम, शिक्षा की और भोजन की व्यवस्था थी। माँ के मुंह से शिक्षा मिलनी चाहिए और माँ के हाथ से भोजन मिलना चाहिए, गया वो काम से, माँ बची कहाँ है भोजन देने के लिए? अरे बेटे को जन्म देने के लिए माँ तैयार है, मगर बेटे को स्तनपान कराने के लिए तैयार नहीं, नहीं बोतल का दूध पी ले। कभी टाटा की हॉस्पिटल में जाकर के देख लेना, कैंसर वाले मरीज बहुत ओल्ड एज वाले नहीं है। कभी ऑर्थोपेडिक सर्जन पूछ लेना, जो भी स्लिप डिस वाले आते हैं वो मरीज कोई बूढ़े नहीं है। 30-35-35 साल, दैट्स ऑल, बस। और एक बात बताना चाहता हूं, 1 लाख वेबसाइट चल रही है आज को, हाउ टू सुसाइड, किसकी? हाँ, हाउ टू सुसाइड, वो टॉपिक को लेकर के 1 लाख वेबसाइट चल रही है, और वो वेबसाइट पे जाने वाले एज करीबन 25-35 मोर, 35-25 साल के लड़के वो वेबसाइट पे जाते कि सुसाइड कैसे करना वो सिखा रही हो। और वहां वो है, आप गुटखा खाते हो ना, मजे से खाओ, कैंसर से डरो मत। एक वेन में, बस वेन में आपकी एक नली आ जाएगी, आप स्विच शुरू कर दो, 2 मिनट में आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, डरो नहीं। वो गुटखा खाने से कैंसर होगा और फिर क्या होगा, चिंता मत करो, गुटखा खाते रहो, मजा मांगते रहो और 2 मिनट में मर जाओ। वो लिखा है, जिनकी बर्तक लड़कियों के साथ सोना है तो सोते रहो, एड्स की चिंता मत करो, 2 ही मिनट का खेले मर जाएंगे मगर मजा से रहो। ये तुम्हारा कल्चर, या 100 साल का बुड्ढा भगवान से आशीर्वाद मांगता था भगवान लंबा जीवन मिले, और आज 40 साल के लड़के इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, हाउ टू सुसाइड। पूरे हिंदुस्तान को सुधारने की बात नहीं, मैं आपको भी नहीं बचा सकता हूं, आप सबके सामने बोलता हूं, ना मालूम कौन अपने को इंप्लीमेंट करेगा, मुझे मालूम नहीं। नंबर 1 क्लेश हो ऐसा बोलो नहीं, नंबर 2 आप बोलो, नंबर 2 कर्जा ऐसा खर्च करो मत, नंबर 3 रोग हो ऐसा कमाओ मत, नहीं खाओ मत, दुश्मनी बढ़े ऐसा कमाओ मत, इनकम। कई लोगों के साथ आपको दुश्मनी करनी पड़े, सभी पे अविश्वास करना पड़े, आपके मन को टेंशन में ही 24 घंटे रखना पड़े, बाजू में बैठने वाले आदमी को बदमाशी मानने की मानसिकता तुम्हारी बने, इसी इनकम जीवन में कभी बढ़ाओ मत। साथ बोलो आपकी मानसिकता क्या? एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछ के प्रवचन को मैं विराम देना चाहता हूं, क्योंकि आज 9:30 का समय, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, पैसा बढ़ने के बाद मैत्री बढ़ी, प्रेम बढ़ा, पवित्रता बढ़ी, प्रसन्नता बढ़ी, ये आपका अनुभव है तो मैं जानना चाहता हूं। पैसा बढ़ने के बाद, यहां इतने लोग बैठे, पैसा बढ़ने के बाद प्रेम पवित्रता प्रसन्नता सब बढ़ते चलते, इतना कोई बोलने की ताकत है तो मैं इनका दर्शन करना चाहता हूं। क्या हुआ यहां? मैं दीक्षा जिन में जितना जितना सफल बनता गया उतना मेरा प्रेम सभी पर बढ़ता चला।
लाखों लोगों की सभा में प्रवचन करने के बाद छोटे से छोटे आदमी पर भी मेरा प्यार बढ़ता चला, कम होने का नाम ही नहीं लेता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यहां बैठने वाली बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मानसिकता क्या है? चलो तुम जो भी जवाब दो, इतना जवाब तो दो, प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता पैसा बढ़ने के बाद बढ़ते चलते, बस इतना बोलो। राजेश भाई नहीं, आंसर हृदय से, महाराज साहब सारी दुनिया पर मेरा प्रेम बढ़ते चलता है, पैसा बढ़ने के बाद, बोलो तुम। और हैप्पीनेस में महाराज साहब ग्राफ हमेशा के लिए इंडेक्स ऊपर उठता है। दिलेश में मानकुआ में था, मानकुआ कच्छ में, आज 5 मिनट थोड़ा प्रवचन और चलेगा, शांति से बैठना। और ये मैं मानकुआ में था, वीआर करके गया, नेमी श्रीमान के समुदाय के आचार्य भगवान अशोक चंद्र श्रीमान वीआर करके आए थे, और आपके साथ वीआर में कुत्ता हो गया था। मेरे आसन के बाजू में बैठा, बड़ा प्यारा, कोई आवाज नहीं करता था, गुरु भगवान के साथ था। और ऐसा हो गया, एक छोटा सा लड़का मान कुआ में गोचरी की विनती करने के लिए आया। महाराज साहब मेरी माँ ने मुझे भेजा है, कोई महाराज साहब को गोचरी लेने के लिए भेजो। मैं बोला सब गए, आधा घंटा तू लेट है, सब निकल गए, महाराज साहब कोई नहीं आएगा। मैं बोला भाई महाराज साहब निकल गए, तू लेट आया, महाराज साहब आपको वंदन करने के लिए मेहमान आए ने, महाराज साहब उनको भेजो। मैंने बोला वो भी चौके में भोजन करने के लिए नीचे ही गए, और अभी तो सब ऊपर आ जाएंगे। महाराज साहब आपके पिताजी की डोली, मेरे पिताजी गुरु महाराज की डोली उठाने वाले आदमी थे, उसने देखा होगा, महाराज साहब उनको भेजो। मैं बोला वो भी तो गए, इनकी आंखों के कोने में आंसू के दो बूंद लग गए, महाराज साहब कोई नहीं आएगा, महाराज साहब भी नहीं, मेहमान भी नहीं, और डोली वाला भी नहीं, महाराज साहब कोई नहीं। और मैंने कहा ये भी हमारा मेहमान है, किसको? कुत्ते को। महाराज साहब मैं इनको ले जा सकता हूँ? हाँ, मैं बोला जरूर। छोटा सा लड़का और कुत्ते के पास जाकर के बोला कि गुरुदेव ने कहा चल मेरे साथ, अभी वो थोड़ा आएगा। मैं बोला वो ऐसा मेहमान है कि नहीं आएगा, तुझे यहाँ लाना पड़ेगा। खैर आधा घंटे में महाराज साहब लेके आता हूँ, लेके आया। जैन में करीबन 12 पेंडे पेंडा और कुत्ते के सामने रख दिया। मानकुआ छोटा सा गांव है, कोई भूज नहीं, अंजार नहीं है, मांडवी नहीं है, मानकुआ बहुत छोटा सा गांव। लड़का इतना प्यार से वो कुत्ते को खिला रहा था, और कुत्ता भी मजे से खा रहा था, कुत्ते के सर पे वो हाथ फिरा रहा था। मैंने देख के मुझे लगा कि क्या एक वैभव लेकर के बैठा इस गांव के लड़का। मगर मेरे मन में नहीं रहा, तो मैंने पूछा कि बेटा एक प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए। माँ को तूने बोला था ना कि कुत्ते के लिए कुछ ले जाना है? हाँ जरूर महाराज साहब। माँ ने रोटी नहीं दी थी, और कुत्ते के लिए रोटी नहीं दे करके माँ ने ही पेंडा दिया कि तूने पेंडा मांगा था? महाराज साहब मैं तो छोटा हूं, मैं तो नहीं समझ पाता हूं, मगर माँ ने ही मुझे पेंडा दिया। मैंने बोला अच्छा, मगर माँ ने जब पेंडा दिया तो माँ ने, माँ को तूने बोला नहीं कि माँ मम्मी मैं कुत्ते के लिए जा रहा हूं, और कुत्ते को हम इसके लिए हम अपनी शेरी में भी देते, कुत्ता तो रोटी खाता है, और कुत्ते के लिए पेंडे क्यों? महाराज साहब आपके मन में जो प्रश्न आया ना, वही प्रश्न मैंने मेरी माँ को भी पूछा था, मम्मी ये कुत्ते के लिए रोटी ले जाना चाहिए, और मगर तू पेंडा भी देती है, वो भी एक भी दो नहीं, 12-12 पेंडा, वो भी टॉप, मैं जानना चाहता हूँ मम्मी ये पेंडे क्यों? और महाराज साहब मम्मी का सिर्फ इतना ही कहना था, बेटा मान कुआ के कुत्ते होते मैं रोटी देती, आचार्य प्रभु के साथ कुत्ता है, अपना मेहमान है, उनको तो पेंडे से कम नहीं चलेगा। है तुम्हारे पास ये प्रेम? है तुम्हारे पास? महाराज साहब के मेहमान को रोटी नहीं, कुत्ते को भी पेंडा दिया जाता है तुम्हारे पास ये मानसिकता?
बंगले बड़े बने, गाड़ी तुम्हारे पास, तो भाई हृदय कहां है तुम्हारे पास? दुश्मनी बड़े इससे इनकम मत बढ़ाओ, ये भगवान बोलते। आपका भाई दुश्मन रहेगा, आपका बाप दुश्मन, आपकी मां दुश्मन पैसे के बाद। ये भगवान की बात में आपसे इतना तुम बोले ना, मर के बच्चे जो खड़े होके बोलो, और मैं बहनों को पूछना चाहता हूं, आप जिस घर में थे उस घर में से टॉप घर में आने के बाद आपके आपका प्रेम पवित्रता प्रसन्नता बढ़ती है कि कम होती है? दो दो चार चार चालीस चालीस पचास पचास साड़ी लेकर के तुम बैठी हो, प्रेम बढ़ा कि कम हो गया? बोला आपकी घरवाली नौकरानी को कि ले जा दो दो साड़ी, तू भी ले जा, बात साड़ी पड़ी है कमाट में। कभी मौका आएगा तो बताऊंगा वो गांव का वैभव क्या, सच बताऊं, मैं गाली नहीं देता मगर बताऊं, मैंने जो जीवन में छोटे आदमी का प्यार देखा उनके सामने तुम मुझे भिखारी लगते हो। तुम अमीर हो गए पैसे के, मैं प्रेम के अमीर को देखना चाहता हूं। मारा साहब एक छोटे आदमी के प्रति में पागल बन जाता हूं, वो जूठा है तो भी। क्लेश हो ऐसा बोलो नहीं, कर्जा करके खर्च मत करो, रोग आ जाए ऐसा कुछ भोजन मत करो, दुश्मनी बढ़े ऐसा पैसा मत बढ़ाओ। डोंट गो इन दैट साइड इनकम, 10 लाख 10 करोड़ बन जाएगा मगर दुश्मनी किसके साथ? सभी के साथ। और पांचवें नंबर की बात, चिंता बढ़े ऐसी लाइफस्टाइल बनाओ मत, टेंशन बढ़े चिंता बढ़े ऐसी लाइफस्टाइल से अपने आप को मुक्त रखते चलो। गुरुदेव जी को जीवन की व्यवस्था, माना साहब टेंशन का कोई काम नहीं, एवरीथिंग गुड गोइंग, माना साहब कुछ नहीं। आप ये पांच में स्पष्ट हो जाओ, मैं गारंटी के साथ कहूंगा जो जीवन तुम्हारा बनेगा ना, आप बोलेंगे गुरुदेव धर्मी बना के नहीं मुझे मालूम नहीं है, मगर गुरुदेव सज्जन तो निश्चित तौर से बन चुका हूं। कई लोग मुझे पूछते प्रवचन के माध्यम से महाराज साहब आप हमसे क्या चाहते हो, और मैं एक ही कोटेशन बनाना चाहता हूं, ईच मैन कैन नॉट बी ए ग्रेट मैन बट एवरी मैन कैन बी ए जेंटलमैन। हर आदमी ग्रेट मैन नहीं बन सकता है मगर हर आदमी जेंटलमैन तो कम से कम बन ही सकता है। और आज मैंने जो आपको बात बताई ये शब्द को लेकर के, सज्जन आदमी कभी कलह पैदा नहीं करता है, ये बात आपकी सज्जनता को चैलेंज है। आप बहू के साथ संघर्ष करके आपकी सज्जनता को कलंकित नहीं करेंगे। यहां बैठी हुई सास को मैं कहना चाहता हूं, बहू के साथ कलंक करके आपकी सज्जनता को डिस्टर्ब मत करना। आप बोलना कि तेरे लिए मैं निश्चित तौर से मां हूं। जयेश क्या लगता है, ये जो बात आपके दिमाग में लॉजिकली बैठी, मैं पूछना चाहता हूं, लॉजिकली बैठी, श्रद्धा से नहीं, लॉजिकली बैठी? हिम्मत भाई क्या शायद बोलो, पांच में से इंप्लीमेंट करने का तुम्हारा प्रयास, व्हाट इज द टू मच इजी, पांच में से सबसे ज्यादा इजी आपको क्या लगता है? क्लेश हो ऐसा बोलो नहीं, रोग हो ऐसा पेट में कुछ डालो नहीं, दुश्मनी बढ़े ऐसी इनकम बढ़ाओ नहीं, चिंता हो जाए ऐसा जीवन मत बनाओ। और पांचवें नंबर की बात क्या है, आज मैं आपको पूछा सच बोलो, ये पांच में से इजी क्या लगता है आपको? क्या है कर्जा वाला इजी? आज एक दिन का नियम नहीं, जिंदगी भर का दे दू? नहीं, कर्जा वाला तो जिंदगी भर का ही देना पड़ेगा। आप इतना बोलो माना से कर्जा करके कोई खर्च नहीं करूंगा, इतना ही। कई लोग तो मालूम नहीं क्या क्या करते, आज नहीं बताऊंगा। कई एग्जाम्पल मैंने शिविर के लिए सीक्रेट रखे। क्या है
शिविर में 35 से ऊपर वाले हैं। शिविर आते समय वहां तक तो तुम सब सुधर जाएंगे, फिर शिविर की जरूरत नहीं। और ताली मत बजाओ, मैं दूसरी बात भी करना चाहता हूं। यदि शिविर आते आते भी तुम नहीं सुधरे तो फिर तुम्हारा कोई चांस नहीं है, जाने दो फिर।